हेलो गाइस, दिस इज़ योर होस्ट जायंट फाल्कन एंड यू गाइस आर करंटली इन फाल्कन्स गेमिंग एरिना। आज हम खेल रहे हैं एक स्क्वाड मैच मेरे टीममेट्स हरीश, सपना एंड लेजेंड भाई के साथ। मैं पहुंच गया हूँ लॉबी में और ज़रा पिंग तो देखो भाई, 500 600, यही नेट नहीं चल रहा, पता नहीं गेम में क्या होगा। तो स्लो नेट की वजह से गेम थोड़ा सा स्लो लोड हो रहा है। चलो देखते हैं कौन सा मैप आता है। तो मैप आया है बरमूडा और मैं करना चाहता हूँ पीक पे। चलो जल्दी जल्दी अपना मार्क लगा देते हैं पीक पे ताकि ये लोग हमें कहीं और ना उतार दें। हम सब फिलहाल फॉलो कर रहे हैं सपना को और सपना पीक पे ले जा रही है, तो ये एक अच्छी बात है। पर सपना पीक के मेन घरों पे ले जा रही है, मेरा मार्क थोड़ा नीचे है। पीक के नीचे जो 3 घर रहते हैं, सीमेंटेड और एल शेप वगैरह। और चलो अब 6 विंडो पे उतरते हैं और देखते हैं पीक पे। वैसे ज़्यादा प्लेयर तो आए नहीं है, बस एक ही स्क्वाड दिखा मुझे तो स्कैनर में। ओके, तो अपनी लैंडिंग सेफली हो गई है मल्टी विंडो पे और उतरते ही एक ब्लू वार्निंग मिल गई है। पहले मुझे मिली AR-94 और यहाँ पे है M4A1। अब यहाँ पे एक शॉट गन है, चलो M4A1 को छोड़ के शॉट गन उठाते हैं। और यहाँ पे है पैराफेल, बट ओके मुझे AR-94 ज़्यादा पसंद है पैराफेल से, क्योंकि मेरे पास AR-94 की स्किन भी है और पैराफेल की अभी तक गेम में कोई भी स्किन आई नहीं है। वैसे मैंने जो स्कॉट स्कैनर में देखा था वो शायद होता है नीचे सीमेंटेड और एल शेप वाले घरों की साइड। तो अभी हमारे पास यहाँ पे बहुत टाइम है लूट करने के लिए। वैसे मल्टी विंडो में मुझे मतलब दोनों गन्स तो मिल ही गई हैं, शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज की, बस हेलमेट और वेस्ट नहीं मिला। तो पहले वो ढूंढते हैं फिर चलते हैं उन पर रश करने। तो चलो पहले चलते हैं टूटी छत वाली साइड, शायद यहाँ पर मुझे वेस्ट और हेलमेट इन दोनों में से कुछ मिल जाए। यहाँ पर मेरा एक टीम पहले से ही लूट कर रहा है और यहाँ पे लेवल 1 का बैग भी मिल गया है हमको। यहाँ पे ना मुझे किसी का कॉल आ गया था तो मुझे वीडियो का वो वाला पार्ट कट करना पड़ा। अब हम जा रहे हैं नीचे रश करने। बंदों ने मुझे पहले ही देख लिया और गोलियां चला रहे हैं, तो मैंने लगाई है ग्लू बॉल। अब एक बंदा मेरे ऊपर रश करता हुआ आ रहा है, मैंने उसको गोली चलाई, बंदे ने लगा ली ग्लू बॉल। बंदा काफ़ी फास्ट है, अब हम शॉट गन लेके उस पर रश करने जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। मैंने शॉट गन से उसको मारा पर उससे पहले उसके टीममेट ने मुझे मार दिया और मैं हो गया हूँ डाउन। बंदा कतई हरामी है भाई, मुझे ही मारे जा रहा है डाउन करने के बाद। मतलब मेरे टीममेट लिटरली मेरे थोड़ा सा पीछे हैं भाई, उनको मारना। पर नहीं, बंदा तो मुझे पूरा मारेगा। चलो मेरा टीममेट भी आ गया है, लेजेंड भाई ने मुझे रिवाइव तो दे ही दिया है। अब मैं तो घुस जाऊँगा अंदर ताकि अंदर कवर में हम थोड़ा सा मेडिकेट ले लें। ओह शिट, पूरा मेडी नहीं है। तो अब हमने एक इनहेलर लिया और बाहर वाले बंदे को मारने जा रहे हैं, पर उसको पहले ही किसी ने मार दिया था तो हम पीछे वालों को मारने जाएंगे। वो तो रिवाइव दे रहा है भाई भाई भाई, नहीं दूंगा। और हमने बंदे को मार दिया है, तो चलो यहाँ पे लूट करते हैं, देखते हैं इनके पास क्या क्या है। तो यहाँ पर इन बंदों के पास मुझे एक XM8 और मेडिकेट मिल गए हैं, तो चलो जल्दी जल्दी मेडिकेट ले लेते हैं, कहीं कोई और आ गया तो फिर से डाउन हो जाऊँगा मैं बिना मतलब में। अब मेडिकेट ले लिए तो चलो दूसरे बंदे को लूटने जाते हैं। वो पड़ी है उसकी लाश, तो देखते हैं इसकी लाश में क्या क्या है। इसकी लाश में भी काफ़ी अच्छा सामान मिला, इनहेलर तो मिल ही गए। अब मैं पीक से भाग कर पहुँच गया हूँ पोचिनॉक और यहाँ पे सामने ही एक बंदा है इस वाले पत्थर के पीछे, तो चलो इसको मारते हैं पहले। और बंदे के पास है स्पास, तो मैंने इसको अपनी M1014 से मार दिया है और इस बंदे ने मुझे इतना ज़्यादा डैमेज भी नहीं दिया। तो इसके पास अच्छी खासी लूट है, लेवल 3 का 4 ग्रिप है। तो इस भाई की कृपा से हमें मेडिकेट और इनहेलर भी मिल गए जो कि हमारे पास बिल्कुल भी नहीं थे। ओ भाई, यहाँ पे साइलेंसर भी था, तो अपने पास अब साइलेंसर भी आ गया है। चलो जल्दी जल्दी वो साइलेंसर इक्विप कर लेते हैं जो हमको अभी मिला है। उसके बाद हम चलेंगे फैक्ट्री में, देखते हैं वहाँ पे कोई है या नहीं। ओह नो, बंदों ने पहले ही फायरिंग शुरू कर दी है, मतलब फैक्ट्री में पहले से ही बंदे हैं। मैंने एक ग्लू बॉल लगा लिया और बंदा कहीं भाग रहा है, बंदा भाग रहा है उस तरफ। सपना के मार्क ने काफ़ी हेल्प कर दी है वैसे तो। अब हम पीछे से जाएंगे बंदों को मारने पूरा घूम फिर के, देखते हैं बंदा कहाँ पर है। मुझे लगता है बंदा ऊपर चढ़ने की ट्राई कर रहा है, जो पौड़ियों के ऊपर थोड़ा सा स्पेस रहता है ना फैक्ट्री में, वहाँ पर। तो चलो देखते हैं यहाँ से, पर यहाँ से तो बंदा नहीं दिख रहा, थोड़ा आगे चलते हैं। और बंदा यहाँ से भी नहीं दिखा, अरे भाई वहाँ से कोई गोलियाँ चला रहा है, मतलब इनका एक ही बंदा ऊपर गया है, बाकी तो नीचे ही है। चलो जल्दी जल्दी देखते हैं उस तरफ कहाँ से गोलियाँ चल रही हैं। तो वहाँ पीछे से किसी बंदा चला, अरे सपना किसी और से गोलियाँ चला रही, और ये सपना डाउन और ये बंदा भी डाउन। तो चलो सपना को रिवाइव देते हैं और फिर चलेंगे उस बंदे को मारने। तो हम जा रहे हैं उस बंदे को मारने और बंदा सामने डाउन पड़ा है, ये बंदा साफ। चलो अपना किल स्कोर हो गया, अब दूसरी कर लेते हैं। और हरीश भाई मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे, पता ही भाई बंदा प्रो हो गया है। तो चलो उसने जिसको मारा है उसको लूटते हैं पहले,
फिर देखते हैं और कोई बंदा है यहाँ पे या फिर सारे मर गए। मुझे लगा था हरीश भाई के पास बंदे हैं पर यहाँ तो कोई नहीं है, तो चलो वापस चलते हैं। जिस बंदे को हमने खूब मारा था उसको लूटेंगे अब, तो देखते हैं उसके पास क्या क्या है और फिर उसके बाद चलते हैं यहाँ से कहीं और। तो उस बंदे के पास बस इन हीलर हैं जो मुझे चाहिए थे और तो कुछ भी नहीं, तो अपने बैक पैक को खाली करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा सामान हो गया है और फुली हो गया है बैक पैक और फालतू चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं। मैंने गलती से ग्रेनेड फेंका यार, किसी ने उठा ही लिया वो, इतने बड़े हरामी है मेरे टीम में। तो उस तरफ कहीं से गोलियां चली, चलो उस तरफ जाकर देखते हैं कि बंदा कहाँ है। और यहाँ से कोई भी नहीं दिख रहा, थोड़ा आगे जाकर देखना पड़ेगा शायद कि भाई बंदा कहाँ है। और ये फिर से गोलियां चली, मुझे लगता है बंदा फैक्ट्री के अंदर है और हरीश भाई ऊपर जा रहे हैं, तो बंदा शायद ऊपर है। चलो ऊपर चल के देखते हैं बंदा कहाँ पे और कितने बंदे हैं। और ये हरीश भाई डोंग, अरे 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 सपना ने किल ले लिया भाई, अपनी लड़की प्रो है वैसे, ऐसी बात नहीं है। तो चलो अब ऊपर जाके लूटना ही वैसे है, लूटते हैं ऊपर जाके और फिर चलते हैं फैक्ट्री से। बंदे की लाश कहाँ है भाई, बताओ भाई बताओ बताओ सपना जी बताओ, उस बंदे की लाश कहाँ है सपना बताओ। मुझे किसी ने नहीं बताया कि यहाँ बंदे की लूटपेट कहाँ थी, तो अब हम जा रहे हैं नीचे। अब फैक्ट्री में होपफुली सारे बंदे ख़त्म हो गए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्लॉक टावर चलते हैं, देखते हैं क्लॉक टावर में कोई है या फिर वहाँ पे हम सिर्फ भ्रमण करने जा रहे हैं। अब मैं क्लॉक टावर पहुँच गया हूँ और मुझे एक बंदा दिखा वहाँ पे, भाई 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 चलो मारो मारो मारो। और मेरे टीममेट ने मारना शुरू कर दिया है उसको, अब मुझे लग रहा है मुझे आगे जाना चाहिए ताकि मैं आगे जाके फाइट ले सकूँ, पर मेरे टीममेट ना बहुत ही पीछे हैं। मैं सोच रहा हूँ कवर से रह के फायर करता हूँ, आगे जाके डाउन हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो लोग मेरे को रिवाइव करने भी नहीं आ पाएंगे। यहाँ से किसी पे कोई भी एम नहीं आ रहा, दूसरी तरफ से जाके देखते हैं और यहाँ से भी किसी पे कोई एम नहीं आ रहा, तो चलो अब आगे ही चलते हैं। हरीश भाई ने एक बंदा ले लिया है, मतलब उनके सिर्फ तीन बंदे बचते हैं और एक बंदा सामने ही बैठा है, ये लो डाउन बंदा। और अब देखते हैं अगले वालों को, पहले एक मेडी ले लेते हैं, बिना मेडी लिए जाना खतरे से खाली नहीं होगा। अपनी सपना जा रही है भाई, बहुत स्पीड में जा रही है, देखो अपनी लड़की प्रो है, मतलब एकदम अखंड प्रो वाली प्रो, इससे ज़्यादा प्रो कोई है ही नहीं। वो बंदा ऊपर है भाई, दिखाना भाई मुंडी दिखाना भाई, भाई एक बार प्लीज़ मुंडी दिखाना भाई, भाई प्लीज़ दिखाना, दिखाई नहीं रहा। ऊपर चलते हैं, ऊपर जाके देखते हैं बंदा कहाँ है। मुझे लगता है बंदा नीचे चला गया है क्योंकि यहाँ चलने की आवाज़ तो आ नहीं रही। और हाँ बंदा नीचे चला गया, तो सपना के साथ लड़ रहा है और शायद सपना ने किल ले लिया। चलो अब बस लूटना रह गया है, तो पीछे देखते हैं इन्होंने एक बंदे को कहाँ मारा था और उसकी लाश कहीं दिखी ही नहीं। चलो अब जिसकी लाश दिख रही है उसको लूटते हैं। तो इस बंदे के पास शायद शॉर्ट गन थी, पर डबल बैरल थी बेसिकली। हाँ इस बंदे के पास डबल बैरल है, तो हमको डबल बैरल भी मिल गई है, तो हम उसको लूटने जा रहे हैं जिसको हमने खुद मारा था। चलो देखते हैं इसके पास क्या क्या है। भाई इसके पास ग्लू बॉल थी जिसकी मुझे सख्त ज़रूरत थी कसम से, अब चार चार ग्लू बॉल हो गई हैं भाई, अब तो अपन रिच हो गए हैं मतलब एकदम। और वेस्ट अपनी फट चुकी है थोड़ा सा, मतलब एक रिपेयर किट पड़ी थी तो हमने थोड़ा सा उसको कर लिया है ठीक ठाक, पर वेस्ट पूरी फट गई है। तो अब हम जा रहे हैं पीक वाली साइड, देखते हैं उससे कोई हमें मिलता है या नहीं। पहले बैग चेक कर लेते हैं, बैग में कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है। अरे मेरे सामने से भाई मॉन्स्टर आ रहा है भाई, और ये बंदे उतर गए हैं ऊपर ही, बंदों ने लगा ली ग्लू बॉल, तो अब हम उन पर जा रहे हैं रश करने। और मेरे से आगे भाई अपनी लड़की बहुत आगे रहती है, हमेशा आगे रहती है, कहाँ एकदम पीरो है, अखंड पीरो वाली पीरो। मुझे लग रहा है यहाँ इस पत्थर के पीछे कोई है, और हाँ बंदा निकला। चलो शॉर्ट गन निकालते हैं जल्दी जल्दी और इस बंदे को मारते हैं। नीचे वाले बंदे को किसी ने पहले ही डाउन कर दिया भाई, अपनी टीम काफ़ी फास्ट है, बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा फास्ट। और ये बंदा डाउन, चलो अब एक ही बंदा बचता है और ये हमने निकाली एक्समेट, और बंदे को पहले ही किसी ने मार दिया भाई, अपनी टीम बहुत फास्ट है। तो वहाँ से हम आ गए थे पीक पे और पीछे से कोई गोलियाँ चला रहा था और हरीश भाई ने उनको मार भी दिया है, और ये फिर से यहाँ पे गोलियाँ चल गई हैं। सपना और हरीश भाई किसी से लड़ रहे हैं मुझे लगता है, हाँ सामने ही बंदा है, उनके काफ़ी सारा डैमेज दे रहे हैं यार, ग्लू वॉल लगानी पड़ेगी। और हाँ ग्लू वॉल लगा ली हमने और ये बंदा हमारे सामने बंदा डाउन, पीछे वाले देखते हैं क्योंकि वो सामने दिख रहा है और डाउन। मुझे मेरे सामने एक बंदा दिख रहा है जिसको मैंने शॉटगन से दो गोलियाँ मारी और दोनों उसको पहनने लगी, और मैं उसको फिर से मारने जा रहा हूँ और मैंने शॉटगन से दो गोली हमारी करीब किसी और नहीं ले ली। अभी की बंदा बचता है, इसको बहुत ही ज़्यादा डैमेज होगा तो इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी मारते हैं, पर भाई बंदा डैमेज नहीं था और उसने मुझे ही मार दिया है। तो लेजेंड भाई ने उसे पीछे से आके ले लिया है, अब लेजेंड भाई मुझे रिवाइव देने आ रहे हैं। अब बस एक ही स्क्वाड बचता है हमारे अलावा, तो अब हम बस थोड़ी सी लूट करेंगे और जोन पर चलेंगे क्योंकि हम जोन में नहीं है। चलो पहले लूट करते हैं छोटी मोटी चीज़ें जो भी हमें मिल जाती हैं। तो मुझे पेन मिल गया है यहाँ पर, एक अच्छी चीज़,
मतलब मैच ख़त्म होते होते मेरे को पैनिक मिल ही गया। तो मुझे नीचे एक साइड एक लूट बॉक्स दिख रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी पहले इसको लूट लेते हैं। अरे भाई मेरा बैग फुल हो गया, मतलब मेरे पास लूवॉल उठाने के लिए भी जगह नहीं है। चलो अब सारी लूवॉल वगैरह उठा लेते हैं और उसके बाद चलते हैं जोन में। बस मुझे यहाँ पे एक रिपेयर किट भी मिली है, तो मैं सोच रहा हूँ पहले रिपेयर किट मार लेता हूँ, क्योंकि बैग के पैसे बहुत ज़्यादा भी निकल चुके हैं। और हमने रिपेयर किट मारी तो हम जा रहे हैं जोन की तरफ। चलो वहाँ पर कुछ है, अरे नहीं ये तो ड्रॉप है, तो हम ड्रॉप पर जाके देखते हैं, दो तीन लूवॉल मिल जाएंगे उसको लूट लेते हैं अच्छे से। और मुझे लगता है पीछे कोई भूत फिर आ रहा है, पर चलो हरीश भाई वगैरह संभालेंगे, कोई बंदे मेरे साथ कर रहे हैं भाई, वहाँ पे घमासान फाइट हो रही है, मुझे लगता है पूरा स्पॉट पीछे ही है। तो अपन चलते हैं ऊपर, चलो देखते हैं ऊपर कितने बंदे। अरे एक बंदा तो मेरे को सामने ही दिख रहा है, मैंने इसको मारने की कोशिश की और ये बंदा डाउन, इसको किसी और ने ही मार दिया है। मतलब अपनी स्पॉट बहुत फास्ट है यार, बहुत ही ज़्यादा फास्ट। सामने एक और बंदा है जिसको मैंने डैमेज देने ट्राई की, पर बंदे ने लगा लिया ग्लू बॉल। अब मैं उसको शॉट में लेकर रश करने जा रहा हूँ, तो बंदे की गोलियाँ नहीं लगी क्योंकि बंदा था ग्लू बॉल के, तो हम जोन से बाहर निकल गए हैं और ये लास्ट बंदा है शायद, और मैंने इसको मार दिया, तो हमारा हो गया है बुईया। अब मैच रिजल्ट्स की बारी, तो अपना रैंक थोड़ा सा प्लस हुआ है और हम सब ने मिलके मारे हैं 25 बंदे, मतलब हाफ ऑफ द गेम हमने ही वाइप आउट कर ली थी। ओके गाइस, अब आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।